एवरीवन, टुडे डेट इज 14 जनवरी है आज, यानी कि मकर संक्रांति है। सबसे पहले आपको मैं मराठी में बोलूँगी, तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला। इसका मीनिंग मैं बता देती हूँ, तिळगुळ लो और मीठा मीठा बोलो। और आज मैं ऐसे लो फील क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है गाइज। दोपहर के 12 बज चुके हैं अभी, और क्योंकि आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरी काम वाली बाई है जो 3 दिन से नहीं आई थी, तो मैंने इतना मतलब स्ट्रेस लिया अपने ऊपर। घर का पूरा काम, जैसे बर्तन धोना, कपड़े तो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे, और फर्श क्लीन करना, तो इतना स्ट्रेस हो चुका था मुझ पर कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और उसके बाद घर का मतलब और भी बहुत सारा काम होता है, जैसे कि खाना बनाना, बच्चों को संभालना, और आपको पता है मैं शॉप में भी जाती हूँ, तो वो 3-4 दिन का स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि जो मेरी बैक है वो बहुत पेन कर रही है। क्योंकि मेरी डिलीवरी एक नॉर्मल नहीं हुई थी, सी सेक्शन हुआ था, मिस सीज़र हुआ था मेरा। और जब वो इंजेक्शन देते हैं, अगर आपकी बैक पे वो इंजेक्शन देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको लाइफ भर आप पेन करता रहता है आपके बैक में। तो काम करने की वजह से मेरा जो बैक है बहुत पेन कर रहा है आज, मतलब 2 दिन से बहुत पेन कर रहा है। मैं थर्टीन जनवरी था, तो कल भी बहुत पेन कर रहा था, मैं डॉक्टर के पास भी गई। बट होता यह कि क्रीम लगाने के बाद, क्रीम दी डॉक्टर ने मुझे, क्रीम लगाने के बाद वो जो पेन है उसी वक्त ठहर जाता है, उसके बाद फिर से पेन बढ़ता है। तो मैंने आज मतलब कुछ खास भी बनाया, मतलब बनाया नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बनाया आज। जैसे कि हमारे मकर संक्रांति में महाराष्ट्र में बहुत सारे मतलब डिशेस बनाती है, स्वीट डिशेस बनाते हैं हम लोग, जैसे कि तिल की पोड़ी रहती है, उसके बाद चिक्की बनाते हैं, तिल की चिक्की बनाते हैं, और गाजर का हलवा बनाते हैं। मैंने कुछ भी नहीं बनाया, और मुझे इतना बुरा फील हो रहा है अपने आप पे कि मैं क्यों नहीं बना पा रही हूँ। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने कुछ नहीं बनाया इस मकर संक्रांति पे। मेरा बैक जो इतना पेन कर रहा है, इतना पेन कर रहा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। कल 30 जनवरी को मैंने बहुत सारे आपके कमेंट्स पढ़े, बहुत सारे लोगों के। एक मेरे सब्सक्राइबर, न्यू सब्सक्राइबर है दीपक राज सोलंकी, सबसे पहले मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। उन्होंने एक गलती थी मेरी, जो कि मेरा एक वीडियो था खारगर प्ले स्कूल असॉल्ट केस के, तो उसके ऊपर मैंने, उस टॉपिक पे ऊपर मैंने कुछ बातें शेयर की थी आपके साथ। तो हुआ ये कि मैंने जो मोमेंट था वो सैड वाला था। एक्चुअली मुझे बहुत बुरा फील हुआ, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ बनाना है टॉपिक और 2 मिनट बनाना है टॉपिक इसलिए बनाया, ऐसा नहीं था। मतलब मुझे बहुत दुख हुआ, तो इसलिए मैंने एक माँ की तरफ से एक जो फीलिंग होती है वो आपके साथ शेयर की। उन्होंने अच्छा एक सजेशन किया कि मैंने जो बैकग्राउंड म्यूज़िक डाला था तो एकदम चार्मिंग वाला डाला था। सो थैंक यू दीपक राज सोलंकी कि आपने मुझे रियलाइज़ किया कि आपकी गलती हुई है। आप लोग मुझे हमेशा रियलाइज़ करते रहना कि हाँ आपकी गलती यहाँ पे हो रही है। बस ये मत कहना, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर कहीं गलती होती तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं आपको पहले दिन से बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है वीडियो का, वीडियो एडिटिंग का। मैं डे बाय डे सीख रही हूँ खुद से कि हाँ, अगर मैं मेरे लास्ट वाले वीडियो देखती हूँ तो मुझे लगता है हाँ मैंने कितनी सारी गलतियाँ की है, मतलब कि मैं इम्प्रूव हो रही हूँ इन दिनों। तो प्लीज़ अगर कुछ भी गलतियाँ होती होंगी तो प्लीज़ आप मुझे बता देना। और तो मैंने सुबह कुछ भी मतलब नाश्ता नहीं बनाया, खाना भी अभी 12 बजे मैंने खाना भी नहीं बनाया, क्योंकि इतना पेन हो रहा है। तो बच्चों को मैंने बस दूध फ्रूट्स खिलाए हैं,
अभी बच्चों को भूख लग रही है तो मैं उनके लिए ओट्स बनाऊंगी। ओट्स जल्दी से मैं रेडीमेड पैकेट्स लाती हूँ, मतलब मैं हमेशा लाती हूँ घर पे बच्चों के लिए। मुझे ओट्स इतनी पसंद नहीं, बच्चों के लिए लाती हूँ। तो अभी मैं ओट्स बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए, फिर उसके बाद उनको खिलाती हूँ और इसके बाद मैं आपसे बातें करूँगी। ठीक है गाइज, तो गाइस दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैंने कुछ खास नहीं बनाया। मैंने खिचड़ी बनाने के लिए रख दी है कुकर पे और थोड़ी देर के बाद हम खिचड़ी खाएंगे। और देखो स्वामी श्री क्या कर रही है, बहुत पागलपंती कर रही है। और गणेश श्री सो चुकी है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ओके स्वामी श्री, व्हाई आर यू क्राइंग? शी इज क्राइंग। ओके तो मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। गाइस मेरी खिचड़ी बन चुकी है और अभी हम खिचड़ी खाएंगे। हालांकि अभी 3 बज चुके हैं, बहुत लेट हो चुका है। 2 मिनट गणेश स्वामी श्री रो रही शायद। गाइस तो ये है मेरी खिचड़ी, ये है बासुंदी और ये है आम का अचार। मैंने आज कुछ मीठा नहीं बनाया इसलिए मेरे हस्बैंड ने बासुंदी लाई है। 3 बज चुके और अभी तक मेरे हस्बैंड 3 बज चुके हैं और अभी तक मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, बिकॉज उन्हें कस्टमर है। उन्होंने कहा कि हम खाना खा ले, तो अभी हम खाना खाएंगे। तो यस अभी खाना खाएंगे, उसके बाद शाम को रेडी होना है मुझे, क्योंकि आज मकर संक्रांति है और मैं हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके पास जाऊंगी। और बस यही है, तो मैं खाना खाती हूँ। हाय गाइस तो शाम के अभी 5:30 बज चुके हैं और मुझे रेडी भी होना है। गणेशश्री उठ चुकी है, स्वामी श्री अभी सो रही है। अभी दिखा देती हूँ गणेशश्री क्या कर रही है, वो अपना खुद का वीडियो देख रही है। एक सॉक्स कहाँ पे गणेशश्री? सॉक्स कहाँ पे आपका? सो एज़ यू कैन सी मेरी कॉफ़ी तैयार है। अभी मैं कॉफ़ी पटाख से पीऊँगी और तैयार भी हो जाऊँगी अभी। तो गाइज आज ये मेरी आउटफिट ऑफ द डे। हमारे महाराष्ट्र में ब्लैक साड़ी पहनते मकर संक्रांति को। ये मेरी ब्लाउज़ है, ये मेरी साड़ी है, जैसे कि आप देख सकते हो रेड एंड गोल्डन कलर की बॉर्डर की साड़ी है, कॉटन सिल्क है ये। और ये जो गहने हैं ये गोल्ड का है, ये नथ है, हमारे महाराष्ट्र में पहनते हैं इसे, नथ को नाक में पहनते हैं इसे। और ये जो है ये इयर रिंग्स है, बहुत ही अलग काइंड ऑफ के है, यू कैन सी।
ये पुराने जमाने के काइंड ऑफ के है, मतलब ये। उसके बाद ये है मेरी साड़ी पिन, ये है मेरे बैंगल्स, ये है मेरा मंगलसूत्र। सो या अभी मैं थोड़ी देर के बाद रेडी हो जाती हूँ। सो गाइज आई एम रेडी एंड यू कैन सी दिस इज माई आउटफिट। दिस इज माई ब्लैक साड़ी। यस, और मैं अपना मेकअप दिखा देती हूँ। मैंने नथ पहनी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है नथ पहनना। तो अभी हम शॉप में जाएंगे और उसके बाद मैं अपने रिलेटिव्स के पास जाऊंगी। सो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ सौमिश्री गणेशश्री के आउटफिट। ए सौमिश्री, हाय गणेशश्री, गणेशश्री। तो ये है मेरे लिटिल ट्विंस के आउटफिट। सो ये है तिलगुड़ और ये है रेवड़ी, और अभी हम ये शॉप में लेके जाएंगे और उसको रिलेटिव्स के पास भी लेके। लाइक ब्राइटनेस है तो रात के अभी 9:15 बज चुके हैं और बहुत थक चुकी हूँ मैं। कुछ नहीं किया आज मैंने, काम भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट बैक पेन की वजह से थक चुकी हूँ। तो हम अभी खाना नहीं बना रहे हैं, शाम का खाना नहीं बनाया मैंने, तो हम बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए। तो देखते हैं, अभी बहुत सारे रिलेटिव्स रह गए जाने के लिए, सॉरी, बहुत सारे रिलेटिव्स के घर पे अभी जाना है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अभी तक शॉप नहीं बंद की है। हम शॉप बंद करने के बाद जाएंगे। एंड गणेश अभी सो चुकी है, सौमिश्री मेरे हस्बैंड के पास है शॉप में। मैं अभी दिखा देती हूँ गणेश कैसे सो चुकी है।